जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर भरे रहा। हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल। सो हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग जल महल जाएंगे, हवा महल जाएंगे, सिटी पैलेस जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, चार जगह घूमनी थी, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं था घूमने का। तो हम लोग सिर्फ हवा महल और जल महल ही अच्छे से घूम पाए थे। गए तो सिटी पैलेस भी थे, जंतर मंतर भी थे, लेकिन दोनों जगह बाहर ही से वापस आ गए थे। एक तो जयपुर में रिक्शे वाले इतना ज्यादा ठग रहे थे कि क्या बताएं आपको। बताएंगे ऐसे कि बहुत दूर है, आप पैदल जा नहीं पाएंगे, ये वो, लेकिन जैसे ही रिक्शे में बैठो अगले एक मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ये सब ठग ना उसके साथ किया करो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने तो साल हमको लूटा है, ये कह रहे मैंने तो आपको भूला नहीं रे। मैंने बताया था कि आपको अगले नाम को ठगा, हम लगातार दो बार ठगे आज। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 किलोमीटर बैठे है, 5 किलोमीटर प्रति लीटर फालतू लड़ाई कर ये लड़ासी बैठी है। नहीं, हुआ क्या था? हुआ ये, उसने 30 रुपए में इनके घर बैठा दिया हम लोग को। भाई इन्होंने हमसे रेट की बात की नहीं, ये बस ले गए। अब यूँ ले गए, छोड़ दू एक कदम पे, 5-10 कदम पे, 5-10 कदम पैदल चले जाते हैं। बता रहे गूगल मैप क्यों नहीं खोल रहे यार, जब तक खोले तो पहुँच जा रहे। लखनऊ से है आज राजस्थान के चांदी के सिक्कों की मंडियां लग रही थी पहले। अच्छा, अब यहाँ का पटाखा चौक है यार, यहाँ पटाखा है। इनको देखिए, ये भाई साहब इतनी दूर से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। जोरावर गेट जो दिख नहीं रहा है, पूरे जयपुर सिटी में 52 गेट हैं। इसमें से ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर का आदमी अंदर आ सकता था। दीज वर द रूल्स, दोज वर द रूल्स, सॉरी। और अब क्या है, अब तो सब कुछ आ सकता है, वहाँ अंग्रेज बेटा खाना खा रहा है। छोड़ो भारत, छोड़ो, देश हमारा है। गोरे चले गए थे लेकिन चले गए क्या, थोड़ा लेट हो गया क्या हम आजादी के लिए। सो जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के बीच इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडितों के साथ स्नान के लिए करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले मानसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति के लिए गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया। इसका निर्माण सन 1699 में हुआ था। इसके निर्माण के लिए राजपूत शैली से तैयार की गई नौकाओं की मदद ली गई थी। और ये महल 5 मंजिल का बना हुआ है, जिसकी 4 मंजिल पानी के अंदर है और 1 मंजिल पानी के ऊपर है। तो मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं आपको जल महल के बारे में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।